हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सोशल साइंस टीचर। टुडे वी विल लर्न द चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी, द मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, हमारा जो अर्थ है, हमारे जो ग्रह अर्थ है, पृथ्वी की गतियाँ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, मेनली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। पृथ्वी की दो टाइप्स की गतियाँ हैं, एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रोटेशन। सो रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। रोटेशन जो है वो अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना है, और अर्थ की जो एक्सिस है एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, और वो हॉरिजॉन्टल से ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पर टिल्ट है, झुकी हुई है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्राम द सन एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्राम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो पोर्शन सन के सामने है अर्थ का, वहाँ दिन होता है, जो पीछे बैक साइड में पड़ता है उसको वहाँ पर रात होती है, नाइट होता है। जो सर्कल डे और नाइट को डिवाइड करता है, अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, इट इज़ नोन एज द अर्थ डे। पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी अक्ष पर, अपनी जो एक्सिस पर वो घूम जाती है, पूरा एक कम्प्लीट रोटेशन कर लेती है, इसको बोला जाता है अर्थ डे। नाउ द रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 4 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ जो है 365 दिन और 4 घंटे में सन का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है। एवरी 4 ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विद 36 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ये जो 6 आवर अलग अलग है, ये सब हर मतलब कि 4 साल में मिला करके ये 365 डेज 6 आवर्स का टाइम लगता है। तो जो 6 आवर अगर आप जोड़ें तो हर 4 साल में 24 घंटे हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद जो फरवरी होती है वो 28 के बजाय 29 डेज की हो जाती है, और उस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। ओके, जैसे कि 2020 चल रहा है तो इसमें फरवरी 29 डेज की थी क्योंकि ये लीप ईयर था। अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमती है, जो ऑर्बिट का जो आकार है वो इलिप्टिकल साइड है, एग के आकार का है, और सन के चारों ओर घूमने की वजह से सीजन चेंज होते हैं। जो मौसम में परिवर्तन होता है ये सन के चारों ओर घूमने की वजह से है। पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, समर सॉल्स्टिस इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डेज एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। इट अकर्स ऑन 21 जून। जो समर सॉल्स्टिस होता है वो 21 जून को अकर करता है। इस डेट में जो सन होता है वो इक्वेटर पर उसकी लाइट वर्टिकली फॉल करती है, और इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, सॉरी सबसे लंबा दिन और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है, सबसे छोटी रात होती है, इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ विंटर सीजन एट द सेम। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग। विंटर सॉल्स्टिस इज द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द डेज आर शॉर्ट द नाइट्स आर लॉन्ग। इट्स अकर ऑन 22nd डिसंबर। इसी तरह से 22nd दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस होता है। विंटर सॉल्स्टिस के समय जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में। तो यहाँ पर डेज लॉन्ग होती हैं और नाइट शॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। तो विंटर सॉल्स्टिस एंड समर सॉल्स्टिस ये आप जानते रहें। ऑन 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर
direct rays of the sun falls on the equator and the whole earth experience equal days and equal nights. This is called an equinox. 21st मार्च और 23rd सितंबर को जो है इक्वेटर पर रेजेस डायरेक्टली फॉल करती हैं, ठीक है, जबकि 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉफिक ऑफ कैंसर के पास डायरेक्टली फॉल करती है सन की रेज, और 22nd दिसंबर को ट्रॉफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली फॉल करती है, तो उसको विंटर सोलस्टिस एंड समर सोलस्टिस आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आपने इक्विनॉक्स की बात किया है, तो इक्विनॉक्स कब पड़ता है, 21st मार्च एंड 23rd सितंबर को, ओके, तो इस समय क्या होती हैं, डेज एंड नाइट्स इक्वल होती हैं. द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. इन रिवोल्यूशन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट्स. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन. जो अर्थ की एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. द अदर हाफ रिमेन्स डार्क. इन दिस वे डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड. ठीक है, तो अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से, रोटेशन करने की वजह से डेज एंड नाइट होते हैं. अर्थ के स्फेरिकल शेप होने की वजह से एक समय में अर्थ का केवल आधा ही पार्ट वो सनलाइट को रिसीव करता है, तो वहाँ पर दिन होता है. द अर्थ कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 hours. दिस रोटेशन इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू. थैंक्स.